तो गाइस आज हमारा मैच इंडियन चैंपियनशिप लीग डे 8 ग्रुप ए वर्सेस बी का मैच पे आ गए हैं हम पर्गुटारी मैप पे। और सभी बंदे लैम्बर मिल आते आते ही उतरना स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ तक कि अभी हम देख सकते हैं कि इंडियन चैंपियनशिप 2021 स्प्रिंग का अब लीग डे 8 और लगभग हमें पहला टीम, दूसरा टीम, तीसरा टीम कौन कौन हो सकता है उसका आइडिया लग चुका है पिछले कुछ दिनों के मैचेस से। और आज भाई टोटल गेमिंग को कुछ अच्छा प्रदर्शन ही दिखाना पड़ेगा, या तो उन लोगों को किल्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और एक दो बुइया निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक की बात है सिक्स सेंस को अभी पोजिशन पॉइंट के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो लोग ऑलरेडी अपना फर्स्ट पोजिशन को सिक्योर कर सकते हैं। जहाँ तक की बात है गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस टोटल गेमिंग के बीच में आज होने वाला है फाइट, और देखने वाले हैं कि कौन जाता है सेकंड नंबर पे, क्वालिफाई करता है वो वाला पोजीशन पे इंडिया का, जो कि काफ़ी हद तक एक सम्मान देने वाली पोजीशन है। और यहाँ पर एक आर्ली फाइट हमें देखने को मिल गया है, जहाँ पर एससी ने फाइट स्टार्ट कर दिया है स्टोन क्रशर्स ने, और पर यहाँ पर अभी भी कोई बंदा नॉक तो नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बात है अभी भी प्लेयर्स अलाइव है 48 और 12 टीम अभी तक है गेम पे, पर फाइट हमें देखने को मिल गया है पहले ही। तो शायद से ये मैच काफ़ी ज़्यादा हद तक एकदम ओपी वाला जा सकता है, जो कि हर एक मैच जाता भी है, क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स लेवल का जो दिन पे जो जगह पर जो लेवल पर अगर हम आ गए बोले तो वहाँ पर भाई मैचेस तो बनता है। मतलब मैचेस अगर हार्ड टफ टफ नहीं हुआ तो क्या मजा आएगा। और जहाँ तक की बात किया जाए टोटल गेमिंग की जावा बॉय अभी फिलहाल तो पूरे टोटल गेमिंग के स्क्वाड के किसी के भी कोई भी किल्स नहीं है। और जहाँ तक की बात हो रहा है पूरे परगटरी मैप की, तो परगटरी मैप भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक मैप है, और अगर हम बात किए तो इसके अंदर आप अर्ली फाइट का कोई भी रिस्क नहीं भी उठाओ तब भी बहुत ही फायदेमंद पोजीशन आपको मिल सकता है। मतलब बहुत ही देर तक आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आपको हमें सभी को पता है कि परगटरी पे बहुत ही जगह पर, मतलब लगभग सभी जगह पर एकदम ओपी वाला लूट्स मिलते हैं। और यार परगटरी पे जो लूट्स है वो हर एक जगह पर हर एक स्क्वाड के लिए सफिशियंट है, और आपको अगर अर्ली फाइट लेना भी है फिर भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा मैप है यार, कोई भी टीम इतना आज बगल में थोड़ा ही उतरेगा कि चलो यार एक स्पोर्ट्स टीम पे हम स्पोर्ट्स के गेम पे हम पहले ही आके सर घुसा देंगे फाइट में और हम क्वालिफाई ना करके बाहर निकल जाएंगे, ऐसे तो कोई नहीं करेगा ना। मतलब सभी को किल्स चाहिए, पोजीशन पॉइंट्स चाहिए, तो सभी लोग अर्ली फाइट्स को अवॉइड करने का हर एक रास्ता ढूंढ निकालेगा। ज़्यादा की बात कर लिया जाए अभी आईसी का, मतलब लेवल स्पोर्ट्स का, लेवल स्पोर्ट्स ने भी अभी तक लूट कंप्लीट नहीं किया है, कोई भी टीम अभी लूट कंप्लीट कर नहीं पाया है, जबकि स्टोन क्रशर्स ऑलरेडी फाइट में भिड़ चुके थे। अभी पता नहीं यार क्या होगा फिलहाल, तो बता आंखें डालते हैं टीम डी के ऊपर। तो टीम डी काफ़ी सिक्योर सा एक जगह पर है फील्ड के, जहाँ पर जोन गिरने का चांस, फर्स्ट जोन और सेकंड जोन गिरने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है पार्गोट्री पे। और भाई वहाँ पर एक डबल डोर पे अगर आप जगह सेटल कर दिए हो तो आपका पोजीशन बेहद बिना कोई शक के बहुत ही ऊपर आने वाला है। और यहाँ पर लंबर मिल पे जो यहाँ पर टीम एलाइट घूम रहा है भाई, काफ़ी ओपी वाला सिचुएशन, क्योंकि लेम्बर मिल के आसपास बगल में बस फायर ब्रिगेड में एक टीम है मेरे ख्याल से, और तो आसपास कोई भी टीम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो भी टीम इलाइट से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जॉन्टी भाई है वहाँ पर, पहाड़ी है, और जितने भी टीम है मतलब जितने भी प्लेयर्स है टीम इलाइट के सभी के ऊपर हमारा जो कोऑर्डिनेशन हमने देखा है पहले भी वो भी काफ़ी अच्छा है, और हमारे एक्सपेक्टेशन इसीलिए अभी भी टीम इलाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। बात किया जाए पर जी एस मतलब गैलेक्सी रेसर्स की, तो भाई गैलेक्सी रेसर्स की बात ही अलग है अभी, क्योंकि गैलेक्सी रेसर्स जी एक्स सर अभी इस टूर्नामेंट में, इस मैच में चाहेंगे कि अपने टीम के नाम को और भी ऊपर ले जाए और इंडिया के को रिप्रेजेंट करने के जो पोजीशन है सेकेंड नंबर पर वो लोग क्वालिफाई कर जाए। और अगर यहाँ पर बात किया जाए तो बाकी सारे टीम्स भी यहाँ पर काफ़ी सिक्योर पोजीशन पे है बोले तो, क्योंकि बाकी सारे टीम्स को भी अभी किल्स और पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हुए खेलना पड़ेगा अगर वो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं एक अच्छे पोजीशन पे। और चाहता था कि बात किया जाए अभी टीजी के टीम भाई लूट के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि अगर वो लोग जल्दी से जल्दी एलिमिनेट हो गए तो पोजीशन पॉइंट बहुत ही कम आएगा, और जब भी उनका पोजीशन पॉइंट कम आएगा तब उनका
रैंक और भी नीचे चला जाएगा। तो फाइट तो यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस टोटल गेमिंग के बीच में, पर बाकी सारे टीम्स भी क्वालिफाई करने की एकदम देदार कोशिश कर रहा है। जहाँ तक की बात किया जाए, यहाँ पर टीम रेवोल्यूशन ऑलरेडी फाइट में भिड़ चुके हैं और टीम रेवोल्यूशन के आसपास अभी तीन टीम्स है, मतलब दो टीम्स है वहाँ पर, और थर्ड पार्टी किया जाएगा मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी। और टीम रेवोल्यूशन के अभी गैलेक्सस यहाँ पर एक बार में जांच करने के लिए आगे आ चुके हैं और डाउन हो चुके हैं, देखेंगे कि बहुत ही जल्दी उनको रिवाइव दे दिया जा रहा है। और अभी भाई यहाँ पर थोड़ा हिल्स करेंगे, पर यहाँ पर टीम रेवोल्यूशन के आसपास भाई गैलेक्सी रेसर्स आ चुका है और देखते हैं कि क्या यहाँ से टीम रेवोल्यूशन आगे बढ़ पाता है या फिर गैलेक्सी रेसर्स पूरे टीम को कर देते हैं नॉकआउट, क्योंकि गैलेक्सी रेसर्स चार वर्सेस तीन आपको खेलना पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक टफ है यहाँ पर टीम रेवोल्यूशन से यहाँ से बच के निकलना। और मेरे ख्याल से भाई पर्गेटरी में अभी भी बहुत ही जगह आपके लिए बचा था जहाँ पर आप लूट मचा सकते थे, जहाँ पर आप पोजिशन होल्ड कर सकते थे, जैसे कि मार्वल वर्क्स पर कोई गया ही नहीं, तो ऐसे जगह पर आप जाके अपना पोजीशन होल्ड कर सकते थे, पर सभी लोग यार ब्राजीलिया पे आ गए और एकदम बहुत ही अर्ली फाइट हम बोलेंगे कि यहाँ पर स्टार्ट हो गया पर्गेटरी में, जो इतना ज़्यादा देखता नहीं है पर वो हो गया है। अब टीम रेवोल्यूशन का तो बचना भाई नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अभी टीम रेवोल्यूशन का बस एक ही बंदा बचा है और देखते हैं कि, और जहाँ तक की बात किया जाए फोर एक्सी भी काफ़ी अभी खेल का प्रदर्शन हमने पिछले मैच में देखा है और ऑलरेडी दो किल फोर एक्सी का हो गया है। अभी देखते हैं, फोर एक्सी के सामने गैलेक्सी रेसर्स भी है और भाई काफ़ी टफ पोजीशन यहाँ पर, मतलब काफ़ी टफ सिचुएशन यहाँ पर फोर एक्सी के लिए भी, गैलेक्सी रेसर्स के लिए भी और टीम रेवोल्यूशन के लिए तो है ही। ज़्यादा की बात किया जाए यहाँ पर बाकी सारे टीम्स अभी अर्ली फाइट्स को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं और टीम डी का पोजीशन हमने पहले ही देख लिया है, काफ़ी अच्छा वाला पोजीशन टीम डी होल्ड कर रहा है और काफ़ी अच्छा वाला एक मतलब शेल्टर भी उन लोगों ने ढूंढ लिया है ताकि उनको अपना पोजीशन मेंटेन किया जा सके। जहाँ तक की बात किया जाए अगले सारे टीम्स के बाद, तो यहाँ पर टीम डी शायद से थोड़ा मुसीबत में पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर दो टीम्स ऑलरेडी आ चुका है टीम डी के आसपास, जहाँ पर टोटल गेमिंग भी इंक्लूड है और भाई और एक टीम है जो कि मेरे ख्याल से फोर एक्स सी है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर है चारों के चारों बंदे और कंटिन्यूसली नेड हमें देखने को मिल रहा है, तो दोनों कोई भी एक बंदा अगर नॉक हो गया तो उनको बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। ज़्यादा की बात किया जाए बाकी सारे बंदों की, तो सभी लो भाई एक हो गया नॉक। अभी देखते हैं कि टीम डी कैसे इसे हैंडल करता है और यहाँ पर ग्लू वॉल लगा दिया गया है, ग्लू वॉल को फिर से फोड़ दिया गया है और अभी ऊपर आने की कोशिश पर यहाँ पर RMSS भाई काफ़ी ओपी वाला यहाँ पर टैकल किया डबल वेक्टर के साथ और डबल वेक्टर भाई क्लोज रेंज में एक ओपी वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अभी पूरा गेम पे और पूरा गेम चेंज भी कर रहा है डबल वेक्टर के चलते। जहाँ तक की बात किया जाए क्रोनो भी बहुत सारे सिचुएशन पे आपको हेल्प करके दे रहा है, जो कि काफ़ी ओपी वाला थिंग है मेरे ख्याल से और होना चाहिए यार, सभी को अपने अपने पोजिशन को मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टीजी प्रिंस को, टीजी प्रिंस भी अपनी थोड़ी सी हेल्थ डाउन के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सही वाला पोजीशन जावा बॉय होल्ड कर रहा है और यहाँ पर कुछ अच्छा स्टैटिस्टिक्स कुछ अच्छा टैक्टिक्स सजा रहे हैं टीजी के टीम जा, ताकि टीम डी को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि उन लोगों को फील्ड का ये घर चाहिए। अगर आपको अच्छा एक पोजिशन बनाना है तो मैंने पहले भी बताया है कि ये वाला घर काफ़ी ओपी वाला जगह पर है और अगर आपको पोजिशन बनाना है एक अच्छे रैंक तक अगर आपको जाना है तो ये वाला घर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीजी भी चाहता कि इस घर पे उन लोगों का राज हो, पर यहाँ पर जावा बॉय के ऊपर हमला कर दिया गया है और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जावा बॉय टैकल करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम टीम डी और टीजी के बीच में काफी ओपी वाला फाइट चल रहा है इस घर को लेकर, तो ये पोजीशन का फाइट है भाई, मतलब बस स्किल के फाइट नहीं है, पोजीशन का फाइट तो हमें अक्सर दिखता ही है फ्री फायर में, पर यहाँ पर फाइट हो रहा है एक घर को लेकर कि हमें ये घर दे दो और टीम डी बोल रहा है हमने पहले आए हैं तो हमें नहीं छोड़ना ये घर, हम कैसे भी करके ग्लू वॉल्स ख़त्म हो जाए होने दो और ग्रेनेड ख़त्म हो जाए होने दो, गोली ख़त्म हो जाए होने दो, हमें इस घर पे रहना है। जहाँ तक की बात किया जाए यहाँ पर बाकी सारे टीम्स की, भाई बाकी सारे टीम्स अभी फाइट से थोड़ा दूर है, जितना भी फाइट है अभी पूरा मैप पे बस इसी घर के सेंटर में हो रहा है और तीनों टीम हकदार है इस घर के, मतलब तीनों टीम बता रहे कि हमें ये घर दे दो, पर कोई भी देने का सोच भी नहीं रहा है। जहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर नेमेसिस के साथ भाई अभी स्टार्ट हो गया है फोर एक्सी का फाइट हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा स्काउट करने के बाद नेमेसिस का एम आर मिस्टर गेमर ने कर दिया है फाइट
और इल्यूमिनाटी जीएस का देखते हैं। यहाँ पर आसपास तो कोई टीम नहीं है फील्ड में, काफ़ी सही वाला सिचुएशन यहाँ पर इल्यूमिनाटी ने भी मतलब जीएस का टीम ने भी सिक्योर कर दिया है। और कैप्टेंस की बात किया जाए, कैप्टेंस भी अभी ब्राज़ीलिया के काफ़ी सिक्योर जगह पे है क्योंकि उनके आसपास कोई भी टीम हमें नज़र तो नहीं आ रहा है फिलहाल मैप पे, मिनी मैप पे। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है फिलहाल। तो क्या वहाँ पर वो वाला चीज़ हो गया, मतलब टी जी के साथ टीम डी का फाइट ख़त्म हो गया है या नहीं, यही देखने वाली बात है फिलहाल। तो यहाँ पर कैप्टेंस का एक फाइट हमें देखने को मिला है 4xC के, और 4xC एक टाइप से बर्गर बन चुका है, मतलब फिर से मैं बर्गर बोल रहा हूँ यार, सैंडविच बन चुका है कैप्टेंस और वहाँ से CS के बीच GS के बीच में। और अभी देखते हैं फिलहाल, तो गैलेक्सी रेसर्स की दो बंदे बस अलाइव है और बस एक किल मिला है, तो यहाँ पर पोजीशन पॉइंट्स उनको आगे लाना पड़ेगा। और दोनों बंदे जो बचे हैं वो काफ़ी सही तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। जहाँ तक की बात किया जाए, अभी 4xC के 3 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं और गाइस 4xC अभी कोशिश करेंगे कि यहाँ से उन लोगों का पोजीशन पॉइंट भी थोड़ा ऊपर ले आया जाए तो काफ़ी अच्छा बात हो जाएगा यहाँ पर 4xC के लिए। और अभी देखते हैं, और यहाँ पर जो ग्राफिक्स हमें देखने को मिलता है ऑफिशियल कस्टम में, खास खास ये ग्राफिक्स हमें फ्री फायर के नॉर्मल गेम पे अल्ट्रा ग्राफिक्स में देखने को मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। और जहाँ तक की बात किया जाए यहाँ पर टीजी की डीजी के साथ टीम डी के फाइट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, टीम डी और टीजी में से कोई भी हार मानने वाला तो है नहीं, और देखते हैं कि क्या होता है फिलहाल। तो यहाँ पर डबल वेक्टर का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं हमारा टीजी के एक मेंबर, अभी देखते हैं नाम तो मैं पढ़ नहीं पाया फिलहाल, तो आप लोग देख लो कि नाम क्या है थोड़ा प्रीवियस बैक करके। तो अभी देखते हैं कि टीम डी के चारों के चारे बंदे अलाइव, दो किल निकल चुके हैं पर फिर भी उन्हें पोजिशन तो बनाना ही है भाई। और पोजिशन अगर आपको चाहिए तो ये घर आपको चाहिए, और अगर आपको ये घर चाहिए तो टीम टोटल गेमिंग को आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट, और उसके लिए भाई आपको भी बहुत ही ज़्यादा दम चाहिए जो मेरे ख्याल से टीम डी को बहुत ही ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए लेवल स्पोर्ट्स की, तो लेवल स्पोर्ट्स को किल भी नहीं मिला और पोजीशन भी होल्ड करना उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक टफ हो चुका है क्योंकि भाई अभी बस दो ही बंदे अलाइव है, तो दो बंदे को अभी उन लोगों को कोई जगह भी नहीं मिला है जहाँ पर वो एकदम सेटल पोजिशन, जैसे टीम डी को मिल गया है डबल डोर का एक जगह, और जैसे कि गैलेक्सी रेसर्स को मिल चुका है एक हार्ड पॉइंट। तो देखते हैं कि लेवल स्पोर्ट्स को कब तक वो मिलता है, फिलहाल तो वो लोग जोन के अंदर भी वैसे नहीं है फिलहाल, तो जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल जोन है क्योंकि एकदम पूरा मैप के एकदम मिडिल में पड़ रहा है ये जोन, और सेकेंड जोन भी काफ़ी ज़्यादा मिडिल में, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल जगह पर ही पड़ा है। और जैसे कि मैंने बोला था कि फील्ड में लगभग सेकेंड जोन पड़ जाता है, पर यहाँ पर के जो सिचुएशन है वो थोड़ा घूम गया है और भाई नहीं गिरा, छोड़ो कोई बात नहीं। अभी जहाँ तक कि देखा जाए यहाँ पर AFF स्पोर्ट्स के बारे में, तो AFF स्पोर्ट्स भाई अभी तक एक भी किल नहीं किया है तो, और पोजीशन अभी भी ज़्यादा ऊपर नहीं आया। और जहाँ तक की बात किया जाए यहाँ पर डैमेज काउंटर हमारे सामने आ गया है और सिक्स्थ सेंस ने सबसे ज़्यादा डैमेज, भाई ये तो होना ही था। और फिर गैलेक्सी रेसर्स, फिर टोटल गेमिंग जैसे कि प्रेडिक्टेबल है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों का एक्सपेक्टेशन इन तीनों टीम्स से बहुत ही ज़्यादा होता है और भाई ये हो भी गया, मतलब कि आप सोच सकते हो कि कैसा लेवल का गेम चल रहा है। सिक्स्थ सेंस आज के, अगर आप आज से थोड़ा पीछे जाओ तो सिक्स्थ सेंस कहाँ था और आज बोलो कहाँ है फिलहाल। तो यहाँ पर फाइट टीम डी के साथ टीजी के एकदम देख लिए है और इसी के साथ टीजी के टीम हो गया है एलिमिनेट, इसी के साथ बस 9 टीम बचा है पूरे मैप पे, देखते कि कौन ले जाता है बुया और कौन करता है सेकेंड पोजीशन। फिलहाल तो जिन दोनों टीम्स में से फाइट हो रहा था उनमें से टोटल गेमिंग हो गया है अभी आउट फिलहाल तो इस मैच में, और देखते हैं कि क्या यहाँ से गैलेक्सी रेसर्स बस पोजीशन पॉइंट के खेल में स्टैंडिंग पे ऊपर आ सकता है या नहीं। और जहाँ तक की बात किया जाए 4xC अभी भाई फाइट के मामले में कभी पीछे नहीं हटते, और यहाँ पर सामने एक बंदा दिखा है उन लोगों को टीम नंबर 6 से और उनको भाई छोड़ने नहीं वाले फिलहाल, एक बंदे को कर दिया है डाउन और इसी के साथ बस 30 बंदे अलाइव है पूरे मैप पे। तो देखते हैं फिलहाल, तो यहाँ पर एक और डैमेज भाई 4xC के द्वारा देखा जा रहा है फिलहाल, तो जोन आ रहा है और उनको जोन के अंदर जाना चाहिए। जहाँ तक बात किया जाए भाई 4xC के भाई जोन के अंदर पहले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल, तो टीम नंबर 6 को भी जोन के अंदर जाना ज़रूरी है। और इतना सा जोन पे आप देख सकते हैं ब्राज़ीलिया पे हमारा फोर्थ जोन भी आ चुका है,
और इसको हम बोलते हैं आखिरी के पहले वाला जोन। और देखते हैं कि इस जोन के अंदर तो भाई अभी कोई भी टीम नहीं है, मतलब ये जगह कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया है। और इसके साथ लेवल आइकॉनिक हो गया है एलिमिनेट। और जहाँ तक की बात किया जाए लेवल स्पोर्ट्स की, लेवल स्पोर्ट्स अभी भी जिंदा है, पर क्या यहाँ से सात इन सात टीमों में से कौन होता है बुइया, देखने वाली बात है। फिलहाल तो यहाँ पर AFF की बस एक बस दो किल हुए हैं, पर चारों के चारों बंदे अलाइव, जिससे उन लोगों को पोजिशन पॉइंट काफ़ी अच्छा आ सकता है। जहाँ तक की बात किया जाए अगर टीम नंबर तीन की, टीम नंबर टीम थ्री अभी भी जोन के बाहर है और जोन का डैमेज तो उन लोगों के पास पर ही रहा है। सामने है AFF स्पोर्ट्स जो डैमेज देने में गन से कोई भी एकदम कमी नहीं रखेगा। तो भाई यहाँ पर थोड़ा चांसेस है, टीम नंबर थ्री हो गया एलिमिनेट और इसी के साथ बस तीन छः टीम बचा हुआ है। देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो AFF स्पोर्ट्स के बस दो किल हुए, पर एक और बंदे डाउन हो गए, उनको रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। और जाते की बात किया जाए यहाँ पर टीम एलाइट के आइकॉनिक के, तो भाई टीम एलाइट काफ़ी सिक्योर पोजीशन पे है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी सामने तीन दो टीम्स का फाइट चल रहा है। तो टीम एलाइट कभी कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी करके यहाँ पर किल, मुफ्त का किल लिया जाए, क्योंकि मुफ्त का किल, थर्ड पार्टी का किल काफ़ी ज़्यादा हद तक मायने रखता है हर एक टीम के लिए ऊपर में पोजिशन पॉइंट में आने के लिए, साथ ही साथ किल्स पॉइंट में भी ऊपर आने के लिए। क्योंकि आप इसके सहारे दो टीम्स को एकदम एक ही दम पर दो टीम को पीछे फेल रहे हो, और साथ ही साथ आपको एक दो या अगर किल भी मिल जाता है तो भाई पॉइंट्स की तो बात ही मत करूं। फिलहाल तो यहाँ पर जाते हैं गेम पे थोड़ा सा आगे, और भाई यहाँ पर काफ़ी ओपी वाला फाइट दिख रहा है। और लास्ट वाले जोन पे भाई ग्लूअल्स देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक बंदे को चाहिए कवर, क्योंकि पूरा एकदम क्लीन ग्राउंड पे खेल होता है तो हर एक बंदे को कवर तो चाहिए ही होता है। अभी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर सभी टीम्स अभी जीतने की मूड में है, और यहाँ पर ओपी वाला सिचुएशन हर एक टीम के लिए। देखते कि, और यहाँ पर नेट कर दिया गया है, और देखते हैं कि क्या यहाँ से बुइया ले पाएंगे, इन तीन टीम में से, इन पांच टीम में से कौन बुइया ले जाते हैं, ये देखने वाले बात है। और भाई काफ़ी ओपी वाला फाइट चल रहा है यहाँ पर टीम एलाइट के साथ। भाई क्या मैच, क्या ओपी वाला मैच चल रहा है यहाँ पर भाई, देखकर एकदम दम आ गया। अभी लगता है अभी गेम ऑन करूँगा, अभी रैंक में जाके 10-10 बंदे को सुला दूंगा। और भाई काफ़ी ज़्यादा होप मिलता है ऐसे गेम देखने के बाद हर एक प्लेयर के मन में। और सभी बंदे अभी जोन के बाहर फाइट ले रहे हैं, और इसी के साथ सारे बंदे एक साथ हो गया एलिमिनेट। अभी बस AFF स्पोर्ट्स चार नंबर में एलिमिनेट हो गया है गाइस, काफ़ी सही। तो हमको तीन टीम, टॉप तीन टीम हमें इस गेम से मिल गया है। देखते हैं कि कौन टीम जाता है #1 पे, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो इस मैच के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मायने रखता है पूरा फ्री फायर इंडियन चैम्पियनशिप 2021 स्प्रिंग का। और यहाँ पर भाई कैप्टेंस के साथ 4XC का जो फाइट चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पर एक और बंदे को डाउन कर दिया गया 4XC के साथ, और इसके साथ गैलेक्सी रेसर हो गए तीन नंबर पे एलिमिनेट। अभी भी बुइया की टीम हमें देखने को मिल रहा है, और इसके साथ गैलेक्सी रेसर एस्ट भी हो चुके हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। तो एक ही चीज़ बार बार दिखाने की क्या मतलब है। तो ट्रिपल किल भी निकल के आ चुका है, और एक और डाउन। भाई साहब क्या खेल, क्या एंथुसियम के साथ खेल रहा है वो, भाई काफ़ी ओपी वाला सिचुएशन। और इसी के साथ एक और बंदे डाउन, और इसी के साथ कैप्टेंस दो नंबर पे ख़त्म किया, और हमारा जो चैंपियन हमें देखने को मिल गया है वो है क्रास्ट स्पोर्ट्स। और ज़्यादा की बात किया जाए इस टीम की, भाई शुरुआत से इनका उतना अता पता नहीं था, पर आखिरी में इन लोगों ने बुइया करके दिखा दिया। तो गाइस आज के लिए बस वीडियो इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर नॉर्मली अपडेट्स आता रहता है, पर अभी हम थोड़े बिजी है तो अपडेट्स हम डाल नहीं पा रहे। और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए मैं आता हूँ, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।